ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे आधुनिक समाज में लोगों ने भले ही ऑनलाइन लेन देन शुरू कर दिया, लेकिन तकनीकी की जानकार शातिर लोग घर पर बैठे ही लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाते हैं। देश भर में हजारों लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं। राजधानी जयपुर में पिछले साल 200 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों के बैंक खातों से रुपए पार कर लिए गए, लेकिन पीड़ितों को पता भी नहीं चला और जब तक उन्हें खबर लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। आखिर लंबी तफ्तीश के बाद जयपुर पुलिस की गिरफ्त में ऐसे बदमाश आए जो लोगों के बैंक अकाउंट से रुपए पार कर लेते थे। पिछले एक साल से ऐसे मामलों की भरमार देखने को मिली जिनमें फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के एटीएम कार्ड की जानकारी लेने के बाद उनके खाते से रुपए ऐंठ लिए जाते थे। जयपुर पुलिस ने ऐसे कुछ प्रकरणों को लेकर तकनीकी जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। 5 महीने की गहन तफ्तीश के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उन बदमाशों तक पहुंच गई जो हजारों लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा चुके हैं। जयपुर पुलिस अब तक 5 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है जिन्होंने लोगों के खातों से करोड़ों रुपए पार कर लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये सब खेल होता कैसे है। दरअसल एंड्रॉइड मोबाइल और नेट बैंकिंग के जानकार शातिर बदमाश पहले लोगों को उनके मोबाइल पर फोन करते हैं, खुद को बैंक अधिकारी बताकर उनके कार्ड को ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़ने, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करने और एटीएम कार्ड की वैधता खत्म होना बताकर नए एटीएम कार्ड इशू करने का झांसा देकर बातों में उलझाते हैं। बोलचाल में एक्सपर्ट ये शातिर दिमाग वाले बदमाश बातों बातों में लोगों के एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल जान लेते हैं। एटीएम के 16 डिजिट के नंबर और पीछे के सीसीवी नंबर के साथ ट्रांजैक्शन के लिए वन टाइम पासवर्ड भी पूछ लेते हैं और फिर ये जानकारी जुटाने के महज कुछ सेकंड के बाद ही ये बदमाश लोगों के खातों में सेंध लगाकर ई वॉलेट के जरिए रुपए ट्रांसफर कर लेते हैं। दरअसल शातिर दिमाग वाले इन बदमाशों को इस तरह की ठगी के लिए कोई खास इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। सिर्फ 2 मोबाइल से ही ये लोग पूरी वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए इधर से उधर कर लेते हैं। एक मोबाइल से ये लोग कस्टमर को फोन लगाते हैं और साथ ही दूसरे एंड्रॉइड फोन से ऑनलाइन ई वॉलेट के जरिए रुपए ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि एक ई वॉलेट पर अधिकतम 5,000 रुपए ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ऐसे में इस तरह के बदमाश अलग अलग मोबाइल सिम यूज करते हुए कई ई वॉलेट का यूज करते हैं ताकि एक बैंक खाते से हजारों रुपए पार किए जा सके। ओटीपी मेथड ये जनरली यूज़ कर रहे थे, उसमें बड़ा आसान होता है, हाथों हाथ आप कस्टमर को बातों में रख करके जो शिकार होता है उसको आप बातों में रख करके और उसका हाथों हाथ ओटीपी ले लेते हो। तो इसमें ना तो क्लोनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना आपको अलग से एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जो कॉल मेटेरलाइज हो गए ठीक है, जिनसे बात हो गई, जो इनके झांसे में आ गए वो शिकार हो जाते हैं, जो नहीं आते हैं वो कॉल कट जाते हैं। अमूमन एक नंबर को ये एक बार काम में लेते हैं, एक बार वो कॉल मैच्योर हो जाती है, एक बार वो फ्रॉड मैच्योर हो जाता है फिर उसको रीयूज़ नहीं करते।
अकेले जयपुर शहर में पिछले एक साल में करीब 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पुलिस के लिए इन बदमाशों तक पहुंचना काफी चुनौती भरा था। 5 महीनों की मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच ने इन शातिर बदमाशों को ढूंढ निकाला। अब तक गिरफ्तार किए गए 5 बदमाश झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस कहती है कि इन बदमाशों ने अब तक हजारों लोगों को कॉल किए हैं, जिनमें इन्होंने खुद को बैंक अधिकारी बताया था। हाल ही में गिरफ्तार किए गए सागर दास, बिक्की दास और सत्यम राय ने पिछले 3 महीनों में 3,500 लोगों को फोन किए थे। हाल ही में गिरफ्तार किया गया आरोपी जयकांत 10,000 से ज्यादा लोगों को फोन कर चुका है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के पास कई मोबाइल भी बरामद हुए हैं और इन्होंने सैकड़ों सिम कार्ड भी उपयोग में लिए। और खुलासा तो ये भी हुआ कि जो भी सिम कार्ड या मोबाइल हैंडसेट ठगी के लिए इस्तेमाल में लिए गए, वे सभी फर्जी दस्तावेजों से खरीदे गए थे। कॉमन मोडस ऑपरेंडी आ रही है, जिसमें ये बैंक कर्मी बन के आपको एक सिचुएशन में डालते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन रिलेटेड टू योर अकाउंट एंड एटीएम कार्ड, और उसी बहाने से सिर्फ फिर आपसे आपके एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, और उसको पूछकर हाथ के हाथ एक दूसरे मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसको संबंधित वेबसाइट, जिसमें ये चाहे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हों या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हों, उसको हाथ के हाथ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके सुरक्षात्मक रूप में एक ओटीपी आपके पास आता है। वो ओटीपी भी ये पूछ लेते हैं, जो आप जैसे इनको बताते हैं आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाता है। हालांकि पुलिस ने इस तरह के बदमाशों पर शिकंजा तो कसा है, लेकिन अभी केवल इनकी गिरफ्तारी से ही पूरे खेल का खुलासा नहीं हो जाता, क्योंकि इसी साइबर क्राइम से जुड़े कई ऐसे मामले आज भी पुलिस फाइलों में दफन है, जिनका राज खोलने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। जयपुर से रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए एक बार सीधा रुख करते हैं वापस सहयोगी राम का। रामपुरा जो मामला था, पुलिस ने इसमें कुछ आरोपियों को पकड़ा भी, लेकिन आज भी हालात ये हैं कि पुराने जो मामले हैं, जहां पर ना तो कोई एटीएम कार्ड था ना कोई डिटेल पूछी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए पार हो गए थे, वो मामले अभी तक पेंडिंग है। देखिए, पुराने मामले अभी तक पेंडिंग है, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं ये बता दूं कि आज भी कमिश्नरेट में ऐसे कई लोग हैं, वो चक्कर काट रहे हैं कि उन्होंने जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले जो एफआईआर कराई थी, उसका अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। जो जाँचें अभी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने की है, वो सिर्फ 2016 में कुछ चुनिंदा मुकदमों को लेकर के उन पर फोकस करके इन आरोपियों तक पहुँचा है, लेकिन जो पुराने मुकदमे हैं उन पर पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी बात यह कि कुछ अभी हमने जब कमिश्नरेट में अधिकारियों से मिलने गए, तो उनमें कई पुलिस अधिकारी भी जो थे वो पीड़ित थे, वो वहाँ पर आए अपनी कंप्लेंट, पुरानी कंप्लेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए, लेकिन उनके पास, पुलिस का कहना था कि उनके पास कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। जो पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए थे 2014 में, 15 में, जो पूर्व में जितने भी साइबर क्राइम को लेकर के जितने भी धोखाधड़ी के मामले थे, उनका रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है वो वाकई राम, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है और उसके लिए बड़ी चुनौती है कि पुराने पेंडिंग मामलों का खुलासा नहीं हो पाया और प्रेजेंट में उनके रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। एक बार रुक करता हूँ सतेंद्र जी आपका, इसमें मुझे इस चीज़ बताइए कि पूरा ये जो मसला आपने देखा, आज भी पेंडिंग है काफ़ी मामले, लेकिन वाकई घटनाएं होती रहती हैं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार साइबर क्राइम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये कि आम लोगों को इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है?
बिल्कुल सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम लोग कैसे बचाएं, क्योंकि क्रिमिनल अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, अलग अलग तरीके वो अपना रहे हैं, पुलिस की पकड़ से वो बाहर हैं या पुलिस में तो मुकदमे ही दर्ज नहीं होते, सबसे बड़ी बात यह है। तो एक कस्टमर को चाहिए कि कब भी, एक तो किसी भी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जो अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करे, और बैंक कभी भी कॉल नहीं करता, और बैंक भी हर कस्टमर को ये बताए कि हम किसी को कॉल नहीं करते, और बैंकिंग के मैसेज आते हैं लेकिन वो इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में अर्बन एरिया का बंदा समझ जाएगा, रूरल में जो गांव में जो लोग रह रहे हैं वो समझ नहीं पाते। तो बैंक वालों को भी चाहिए कि हिंदी में वो मैसेज करके उनको बताएं, बार बार सारा डिजिटल हो गया है आजकल, पूरा पैसा बैंक में ही है, और जब से डिजिटल हुआ है उसके बाद 60 से 65% क्राइम बढ़ने के चांस बढ़े हैं। तो उपभोक्ता को यह है कि निजी जानकारी को किसी के साथ शेयर नहीं करें, और दूसरी बात ऐसे बहकावे वाले कॉल, यहाँ कई मामले ऐसे आए हैं कि बिना जानकारी शेयर किए भी इस तरह का गुनाह हुआ है। वो सर बैंकिंग की तरफ से होता है, वो बैंकिंग जैसे अभी लास्ट टाइम ये हुआ था, 6 लाख से ज़्यादा के ATMs की इन्फॉर्मेशन किसी फॉरेनर हैकर्स ने चुरा ली थी, तो ये बैंकिंग इसके लिए जिम्मेदार है। बैंकिंग का जो सिस्टम है वो कितना सिक्योर है, सबसे बड़ी बात यह है। मैंने आपसे कहा था पिछला कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, बैंक है या उपभोक्ता है, इनकी अपने को पहल होनी चाहिए, इस तरह का अपने को समझना चाहिए कि बैंकिंग में क्या क्या सिक्योरिटी अपनाएं, और बैंकिंग इनक्रिप्शन करे या फिर अपना बायोमेट्रिक से सारा वो करे, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल यहाँ यही चीज़ है कि यहाँ पर बैंकों को भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा जो उनके उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी है, वहीं आम लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो किसी भी अनजान शख्स को या किसी को भी अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि बैंक खातों से रिलेटेड हो उसे शेयर ना करें, तो वाकई हो सकता है कि कुछ इस तरह के गुनाहों में कमी आ सकती है। सथिन जी, आपका और सहयोगी रामस्वरूप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखा जाए तो साइबर क्राइम अब छोटा मुद्दा नहीं रहा। देश और दुनिया में जिस तरह से इस गुनाह ने लोगों को अपनी चाल में फंसा हुआ है वो वाकई सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और मालूम तो यहाँ तक भी हुआ है कि देश की माया नगरी मुंबई में एक इलाका तो ऐसा है जहाँ अधिकतर वो लोग रहते हैं जिनका पेशा ही कुछ इस तरह की ठगी का है। बहरहाल आप सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि ऐसा ही फोन आपके पास भी आ सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी लालच में या फिर किसी डर की वजह से आप भी अपना सीक्रेट उस शातिर को बता दें। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।